हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के सेकंड लेक्चर की। देखिए, इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जो क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके होते हैं। ये आपकी वीडियो इंपॉर्टेंट है, एचयू पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए, जिस एग्जाम में आपका रीजनिंग सब्जेक्ट आएगा उन सभी एग्जामों के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें आपने बताना है जो क्वेश्चन मार्क का निशान है, इस स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें और अपना अपना जवाब देने की कोशिश किया करो, ठीक है। जैसे सीरीज क्या है, उम्मीद करता हूं अभी तक आपने सोल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। तो सीरीज क्या है, देखिए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे 625, 625, 5, 125, 25 और 25 यहां पर है, फिलअप और यहां पर 5, ठीक है, यही है ना। अब देखिए ध्यान से, 625, 125, 25 और ये, ठीक है, इस प्रकार से देखिए, एक छोड़कर, ठीक है, इनको डिवाइड करा है 5 से, ठीक है। 625 को डिवाइड करा 5 से, 125 आया, 125 को 5 से किया 25 आया, 25 को 5 से किया 5 आया, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है ये वाली इवन वाली सीरीज। जैसे दूसरा, दूसरे नंबर पर क्या है, 5, फिर आपका चौथे नंबर पर है 25, फिर 6, 6 नंबर पर क्या आएगा, यही है क्वेश्चन। अब देखिए 5 × 5 कितना आया, 25, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ ना, 5 × 5 25, 25 × 5 कितना आया, 125। तो बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा लॉजिक। यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ऐसे लॉजिक जल्दी ही समझ में आएंगे और आपको उंगलियों पर हो जाएंगे सारे के सारे ये सीरीज वाले लॉजिक। चलो इस क्वेश्चन में आपको बताना है, जैसे 3 संबंधित है 243 से, 5 किससे संबंधित होगा, बताओ, शाबाश, करो सॉल्व। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन पुट हो रहे हैं तो वीडियो को पॉज करें सबसे पहले, देन अपना टाइम लीजिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए, जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो सोल्यूशन देखिए क्या होगा। जैसे 3 का संबंधित है 243 से, यही है। अब देखिए, यदि मैं 3 को 5 बार करूं, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये आया आपका 9, 9 × 27, 27, 81, 81 × 3, 81 × 3 कितना आया, 243, ठीक है। मीन्स 3 को 5 बार गुना करने के बाद 243 आ रहा है। इसी प्रकार से 5 को 5 बार गुना करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा 25, 125, 625, 625 को अब 5 से करो, वही आंसर होगा 5, 2, 31, 25। डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी, वही वाला जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है वैसे ही ये क्वेश्चन है। ये सीरीज है, इसमें आपने बताना है कि 2 क्वेश्चन मार्क है, पहले में एक था, अब आपके लिए 2 क्वेश्चन मार्क है। चलो करो सॉल्व। जैसे सीरीज क्या है, यहां पर लिखिए 2, 15, 4, 12, 6, 7 और क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, यही हमने फाइंड आउट करने हैं लास्ट के क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पांचवें नंबर पर और आठवें नंबर पर क्या है, इवन नंबर है। सभी को पता है दो दो से भाग हो जाते हैं, उन्हें इवन नंबर कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, यहां पर क्या आएगा, 8, ठीक है, ये सीरीज चल रही है। इसी प्रकार से ऐसे ये है 12, ये सीरीज नीचे लिखो 12, सॉरी 15, 12 और 7, फिर हमने अगला फाइंड आउट करना है। इसमें क्या रिलेशन है, इसमें अगर -5 करोगे, -3 करोगे, फिर 12 -5 करोगे, फिर
इसी प्रकार से चल पड़ी ना ये सीरीज इवन ओड की। सभी को पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, जो दो से भाग हो जाते हैं, जैसे दो चार छ आठ दस बारह, जो दो से भाग नहीं होते हैं वो कहलाते हैं आपके ओड नंबर, जैसे एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह सो ऑन। ठीक है, अब सीरीज चल पड़ी यहां पर भी, पहले बारह में से तीन गए, पंद्रह में से तीन गए बारह, बारह में से पांच गए सात, अगला क्या आएगा यहां पर देखिए, तीन पांच सात, सात आएगा, सात में से सात गए तो जीरो, यहां पर आ गया जीरो, यहां पर आ गया जीरो, आठ और जीरो, पी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में एचपी पुलिस में खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये टॉपिक आप देख सकते हो आर एस अग्रवाल की बुक में, टॉपिक का नाम होगा डिक्शनरी, डिक्शनरी वर्ड्स। ठीक है, डिक्शनरी वर्ड्स मीन्स जैसे डिक्शनरी में होते हैं ना आपके वर्ड, मीन्स सीरियल वाइज आपको अरेंज करने हैं वर्ड, ये भी रीजनिंग का एक टॉपिक है, आपको आना चाहिए। जैसे देखिए सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, आपको पता होगा और आपने कराया भी, सोल्व होगा ये क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले है इलिटरेट, ये इलिटरेट, इलिग्निमेट, फिर आपका इसी प्रकार से सारे वर्ड हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए आई डबल एल, सभी में आई डबल एल ई है, इसमें आई डबल एल है, फिर आई डबल एल आई डबल एल, तो मीन्स पहले तीन अक्षरों से हमें आंसर पता नहीं लगा। अब चौथा अक्षर देखिए, इसमें है ई, इसमें है ई, इसमें है यू, इसमें है ई, सॉरी आई, और इसमें है ई, मीन्स ई ई वाले, जैसे ए बी सी डी ई, ई पहले आता है तो ई वाले पहले आएंगे, ये तीन आपके वन टू और फाइव ई ई वाले चौथे नंबर पर जिनका ई है, ई ई टू थ्री सॉरी वन टू फाइव, वन टू फाइव जो हैं वो पहले आएंगे, लास्ट में आएंगे आपके चौथे नंबर पे। देखिए यू, यू सबसे लास्ट में आता है, फिर आई, ये आएगा इनके बाद, इनके बाद आएगा। हमें नहीं पता कि ये सीरीज कैसे बनेगी, फाइव टू वन बनेगी या फिर टू वन फाइव बनेगी, हमें कोई लेना देने नहीं, अब हमें लास्ट के देखने हैं, लास्ट में कौन आएगा। लास्ट में सभी को पता है U आता है A टू Z में, U लास्ट में आता है, U लास्ट में आएगा ना, जैसे E आएगा, फिर I आएगा, फिर U आएगा। इसी प्रकार से हमें ये पता चल गया कि ये तीन अक्षर पहले आएंगे और I जो है, I E के बाद आएगा I, मीन्स चौथे नंबर पर ये आएगा, चौथा आएगा, फिर लास्ट में आएगा आपका ये सीरियल नंबर तीन, मतलब वो लास्ट में थ्री फोर थ्री बनेगा, फोर थ्री किसमें है, किसमें है फोर थ्री। तो ये सॉल्व करने की, इतने पजल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के दो पता चल जाते तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था आपसे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको बताना है जैसे क्रिकेट में बैट होता है, हॉकी में क्या होती है, क्रिकेट में जैसे बैट होता है या क्रिकेट का संबंध जैसे बैट से होता है, वैसे हॉकी का संबंध किस से होता है, तो हॉकी के संबंध होता है स्टिक से, क्रिकेट में बैट से बॉल को हिट करते हैं, वैसे ही हॉकी में बॉल को स्टिक से हिट करते हैं। नेक्स्ट, इसमें वही है, 20 का संबंध जैसे 11 से है, 102 का किससे संबंध होगा, बताओ, शाबाश करो सोल्व। अब देखिए जैसे 20 है 11, 20 और 11 एक दूसरे से संबंधित है, हमें पूछा गया है 102 किससे संबंधित होगा, यही पूछा गया है। अब देखिए 20 और 11, यदि हम 20 को 2 से डिवाइड करके प्लस कर दें तो आया 11, 20 अपॉन 2, 10, 10 प्लस 1, 11, समझ गए। अब देखिए 102 है, 102 का किससे संबंधित होगा, हमने क्या करा, 20 को पहले डिवाइड करा 2 से, फिर 1 प्लस कर दिया, 20 को डिवाइड करा 102 से, वैसे 102 को ही डिवाइड करना है हमने 2 से, जैसे 20 को करा 2 से, वैसे 102 को 2 से करा, फिर प्लस कर दिया 1,
इसमें क्या आया, काट दो, 51, 51 प्लस 1 बावन, बावन किसमें है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा पजल आपको करने की कोशिश की होती है, रीजनिंग होती ही पजल करने के लिए है। जैसे एक कप बोर्ड है, ठीक है, कप बोर्ड टोटल अक्षर कितने हैं, 2, 4, 6 और 8, इन्हीं में खेलना है आपको। देखिए अब सी और यू पहले दो अक्षर देखिए, इन्होंने पूरी लाइन सेम रखी है, यहां से लेकर यहां तक सेम है, देखिए यहां से यहां तक सेम है ना, पहले दो चेंज करे हैं, पहले दो इन्होंने कैसे चेंज करे हैं, इनका जो अगला है वो रखा है, जैसे सी के आगे आएगा डी और यू के आगे आएगा वी, ठीक है, इन्होंने सिर्फ दो करे हैं। अब अगले में क्या करा है, डी वी सेम है, फिर लास्ट के जो चार हैं वो भी सेम है, अब इन्होंने तीसरा और चौथा चेंज करा है, कैसे करा है, चौथा तीसरा और चौथा चेंज, पी के आगे आएगा क्यू, फिर बी के आगे आएगा सी। इसी प्रकार से अब बारी है पंचमे और छठे की, इन्होंने बाकी सेम रखे होंगे, जैसे डी बी क्यू और सी। अब देखिए ओ के आगे क्या आएगा, पी, ए के आगे आएगा बी, फिर आर डी, सेम आर डी, हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज करने हैं पंचवा और छठा, आगे करना है सातवा और आठवा, जैसे ये करा, आर के आगे आएगा एस और ई के आगे आएगा डी, हमारा ये वाला ऑप्शन कहाँ है, डी वी क्यू सी पी वी आर डी, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए ये है आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि आपका कोई भी एग्जाम हो वहां पर रीजनिंग आती है तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक जरूर पूछता है वो एग्जामिनर से, ये फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, इससे आपको जितनी प्रैक्टिस की जाए आपके लिए उतनी कम है। अब देखिए हेल्थ का संबंध है जी एस के जेड डी के डी जी से, वैसे ही नॉर्थ का किससे संबंधित होगा, अब हेल्थ यहां पर लिख लो पहले, हेल्थ वैसे ही इसका संबंधित है जी से, फिर इसका संबंधित है एस से, फिर इसका वैसे ही के से, फिर जेड से, फिर यही संबंधित है, ठीक है जी से। अब देखिए जैसे यहां पर लिखो, मेरे साथ साथ करो आप भी सॉल्व ना, जी एस के जेड डी जी। अब देखो यहां पर लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ इस प्रकार का लॉजिक लगाकर ही क्वेश्चन सॉल्व करा था, याद है आपको, जो स्टूडेंट हमारे पक्के बने हुए हैं उनको पता होगा, हमने लास्ट लेक्चर जो रीजनिंग का लिया था उसमें भी इसी प्रकार का लॉजिक लगा था कि नहीं। अब देखिए क्या है, H के आगे आएगा, H के आगे आएगा आपका, चलिए सॉल्व, H के पीछे है, जैसे H के आगे है I, I, I है ना, H माइनस वन मीन्स यदि ए बी सी डी करा हमने, एच के पीछे क्या है जी, पीछे मीन्स एक पोजीशन कम हुई, इसी प्रकार से जैसे हम टी की बात करें, आर एस टी यू, पीछे जाना है कि आगे, टी सी है तो एक पोजीशन पीछे गया माइनस वन, इसी प्रकार से एल और के एल एम, पीछे गया के आगे, एल का संबंधित है के से, पीछे गया माइनस वन, इसी प्रकार से माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अब देखिए नॉर्थ का संबंधित है किससे, यहां पर आएगा माइनस वन, एच माइनस वन कितना आया, एच माइनस वन जी, टी माइनस वन, टी माइनस वन करिए, टी माइनस वन करिए एस। अब जी एस किसमें है, पहले दो निकल गए तो ऑप्शन भी हमारा क्लियर हो गया, सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आ रही है ना आपको रीजनिंग समझ, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए ऑप्शन, जैसे एक एक से संबंधित है तो 25 किससे होगा, एक एक से संबंधित है तो 25 किससे संबंधित होगा। अब देखिए जैसे एक
स्क्वेयर किया एक आया, एक का स्क्वेयर किया एक आया, 25 का स्क्वेयर करेंगे तो 625 आएगा। तो 625 कहां है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यदि पॉल्यूशन का संबंध स्मोक से है, इसी प्रकार से वॉर का संबंधित ट्रिटी विक्ट्री पीस डिस्ट्रक्शन का संबंधित किससे होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, स्मोक जैसे धुआं, धुएं से होता है हमारा प्रदूषण, धुएं से होता है प्रदूषण। यदि लड़ाई हो तो क्या होगी? बर्बादी, डिस्ट्रक्शन। ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, ये भी आपका जो आप फ्यूचर में सीईटी एग्जाम होगा वहां पर ये क्वेश्चन आ सकता है। ये है मिरर इमेजेस वाले क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है, ध्यान से लिख लीजिए प्रैक्टिस के लिए, मिरर इमेजेस। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सा फंडा है, कोई आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जैसे आपको क्या करना होता है इसमें, आपको ना इसमें आपको बोला है कि ये वाला वर्ड है और इसकी मिरर इमेज क्या होगी। आपने क्या करना है, क्वेश्चन पेपर पर सिंपल सा ऐसे लिख लेना है जो भी होगा ये वर्ड, और क्वेश्चन पेपर को उल्टा करके देखना है। ठीक है, जैसे आपने इस पेज पर लिखा और पेज के परली साइड जाकर पेज पलट कर देखना है, वही आपका आंसर होगा। जैसे इस प्रकार से आएगा, पेज पलट कर, पेज पलट कर क्या आएगा? इस प्रकार से आएगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब देखिए इतने से सोल्व करने से क्या आया, डी ई टी वाई और ये वाला। ठीक है, ये किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या करना है इसमें, सिंपल सा, यदि आपको पेपर में कभी भी आए ना मिरर में, सिंपल सा ट्रिक, सिंपल सा, बड़ा सिंपल सा, यदि आप ऐसे दिमाग लगाते रहे कि यहां पर इस प्रकार से हो जाएगा तो आपको बड़ा टाइम लगेगा। आपने क्या करना है, आपने जल्दी से क्वेश्चन पेपर में जल्दी से लिख लेना है इस प्रकार से जो भी वर्ड होगा, और क्वेश्चन पेपर को उसी पेज को पलट कर देखना है, वही आपका आंसर होगा। यही मिरर मेज है, ट्रिक होती है ये, किसी को बड़े रेयर चांसेस होते हैं, सभी को पता हो। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें रोस्ट है, रोस्ट को यदि हम इस प्रकार से लिखें तो ये क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है और आपको आने चाहिए। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए रोस्ट का संबंधित है, रोस्ट का संबंध है पी क्यू वाई यू आर से। इसी प्रकार से स्लोपी का संबंध किससे होगा, यही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। जैसे पी और आर, पी और आर में देखिए, पी और आर, पी और आर प्लस टू है। जैसे पी और आर में देखिए प्लस टू है, इसी प्रकार से ओ और क्यू में देखिए एक दो प्लस टू है, इसी प्रकार से ए और वाई में देखिए, ए और वाई में देखिए माइनस टू है, इसी प्रकार से एस और यू में देखिए, एस और यू में देखिए एक दो प्लस टू है, फिर इसी प्रकार से टी और आर में देखिए, टी और आर में देखिए माइनस टू है। ठीक है, माइनस टू है, पी और आर, पी और आर देखिए, पी और आर देखिए, ये है पी और आर, माइनस टू आएगा सबसे पहले, माइनस टू, फिर प्लस टू, माइनस टू, प्लस टू, माइनस टू, ये सीरीज बन रही है ना। इसी प्रकार से आप यहां पर लगाइए आप स्लोपी। अब देखिए माइनस टू करना है, एस माइनस टू क्यू एल प्लस टू एक दो एन, क्यू एन किसमें है, क्यू एन किसमें है, क्यू एन किसमें है, बी इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में?
रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे आपसे। तो आपको ध्यान में रखना है, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग काफी अच्छा टॉपिक है और काफी मजेदार टॉपिक है, आपको ये टॉपिक शुरू बनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपके जितने भी मार्क्स बने हैं 12 में से आपको 8 बने हैं, 10 बने हैं, 12 बने हैं, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं, तो ही हमें पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चली हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।